देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी जेजेपी सरकार के विरोध में, केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में जो ये तानाशाहीपूर्ण रवैया चल रहा है, जो ये महंगाई बढ़ रही है, जो ये बेरोजगारी बढ़ रही है, जो ये पेगासस जासूसी कांड हमारे सामने आया है, जो ये पेपर लीक कांड हमारे सामने आया है, आदि अन्य मुद्दों को लेकर के मौजूदा हरियाणा जसपा सरकार और मौजूदा केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये रोष प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आम जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं कि जनता से झूठे वादे करके ये लोग जो सत्ता में आए, कोई वायदा पूरा नहीं है, ना ही स्थानीय मुद्दों पर इनका ध्यान है। नारनौल की सड़कों का क्या हाल आप जान सकते हैं? आज कोई अगर अस्पताल जाना चाहे, कोई थाना जाना चाहे, तो सुरक्षित नहीं जा सकता। बुरा हाल है सड़कें, शहर की खुद ही पड़े। इसी तरह से इस इलाके के अंदर, इस इलाके के महान संत बाबा केदारनाथ जी के नाम से, जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय में हमने जो यहाँ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाया, वो केवल एक कोविड सेंटर बन के रह गया। आज तक 7 साल हो गए, यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार में विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन कोई स्टार्ट करने की योजना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से भी, क्या कारण है, क्या अपराध किया हमारे बच्चों ने जो आज पढ़ने के लिए रोहतक, जयपुर, चंडीगढ़ बाहर जाते हैं, क्यों नहीं अपने इलाके के अंदर पढ़ सकते? इसी तरह से ये बाईपास जो नाबनोड़ की महत्वपूर्ण मांग हुआ करती थी, जिसके सैकड़ों जाने चली गई थी, हमने उस समय चुनाव के समय के अंदर भाग दौड़ करके बाईपास का निर्माण करवाया। आज वह बाईपास जो बना 6 मीटर, वो गर्जर हालत के अंदर है, और बराबर में जो जमीन एक्वायर की हुई सरकार ने, उस पर पुनर्निर्माण कोई सरकार नहीं कर रही। इसलिए हमारी मांग है कि इन सब मुद्दों को लेकर के आज ये विरोध प्रदर्शन सरकार के विरोध में है। हम चाहते हैं सरकार अपना जागरूक हो, सरकार अपनी आंखें खोले, कान खोले और लोगों की समस्याओं को दूर करें।